दोस्तों कंटेंट कैसा भी हो, कंज्यूम करने के लिए जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो हमारे दिल को भानी चाहिए। और गाइस ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट सुपर एमोलेड फोन्स अराउंड 13 to 14,000। वैसे गाइस एक और अच्छी बात है कि हमने यहाँ पर सिर्फ एमोलेड पैनल ही नहीं देखी है बल्कि हमने यहाँ पर फीचर्स को भी ध्यान में रखा है। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जब सुपर एमोलेड का नाम आता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान आता है सैमसंग। और गाइस अगर हम बात करें इस बजट के अंदर सैमसंग की तरफ से आने वाले एक अच्छे स्मार्टफोन की, तो दोस्तों वो है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M32 4G। और इस फोन में आपको दी गई है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले। साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 800 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी दोस्तों वो आपको हर मामले में काफ़ी बेहतर मिलती है। और वैसे भी सैमसंग यहाँ पर अपनी डिस्प्लेस को काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है, तो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दी गई है। इन सभी के अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन। दोस्तों ये फोन रन करता है एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है वो मिलना शुरू हो चुका है और यहाँ पर आपको मिलता है UI 4.1। तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन की यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, साथ ही में सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बाकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको मिलते हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा दिया गया 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइट, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए दिया गया है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का काफ़ी अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफ़ी अच्छी आती हैं। साथ ही में आप यहां पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 fps। तो स्टिल फोटोग्राफी के लिए फोन काफ़ी अच्छा है। पावर हाउस की बात करें तो दोस्तों फोन के बैक 6000 mAh की बैटरी, जी हाँ दोस्तों आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफ़ी आराम से मिल जाता है। साथ ही में 15 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। तो फोन का जो बैटरी मॉड्यूल है ये आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन आता है 12 nm बेस्ड मीडियाटेक हीलियो G80 चिपसेट के साथ में, और ये चिपसेट एक डिसेंट टाइप का चिपसेट है जो कि अंतुतु पर स्कोर करता है लगभग 2 लाख के आसपास। डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आएगी और गेमिंग भी आप यहाँ पर डिसेंट टाइप की कर सकते हैं। रही बात फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है और डिजाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली ये स्मार्टफोन सिर्फ उन यूजर्स के लिए जो कि एक नॉन चाइनीज अच्छी डिस्प्ले वाला और साथ ही साथ मीडियम यूजिंग के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो वो डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे ₹12,999। और हाँ दोस्तों सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगला जो हमारा फोन है ये तो काफी फीचर रिच फोन है, जहां पर आपको फीचर्स काफी कमाल के मिलते हैं। और गाइस ये फोन है यहाँ पर वीवो की तरफ से वीवो T144W। और गाइस ये जो फोन है यार ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ में, जो कि आपको डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। और एक और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि इस बजट के हिसाब से काफ़ी कमाल की बात है। वैसे रही बात फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन देखा जाए तो डिज़ाइन फोन का काफ़ी अच्छा दिया गया है। साथ ही में 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड के स्लॉट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, तो देखा जाए तो लेटेस्ट फीचर के साथ में आता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहां पर 700 नीट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, शॉट सेंसेशन ग्लास का सपोर्ट आपको दिया गया है और साथ ही में स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी फोन की काफ़ी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें, बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे। सामने की बात करें तो सामने आपको देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा है वहां पर आपको आउटपुट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 fps। वैसे दोस्तों बैक साइड में आपको यहां पर EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है।
अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो फोन के अंदर लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप मीडियम यूजिंग पर काफी आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। दोस्तों ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है लेकिन उन्हें थोड़े से लेटेस्ट फीचर वाला फोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे पूरे के पूरे 14,499 रुपए। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फोन की तरफ, और अगला जो फोन है ये आपको मिलता है Redmi की तरफ से, Redmi का Note 11। तो दोस्तों ये फोन आता है 6nm बेस्ड Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट के साथ में, और दोस्तों ये स्मार्टफोन AnTuTu पर स्कोर करता है लगभग यहाँ पर 2,75,000 के आसपास। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आपको यहाँ पर भी डिसेंट मिलने वाली है, लेकिन बैटरी बैकअप फोन की आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। साथ ही में फोन के अंदर लगा हुआ है UFS 2.2 का स्टोरेज, जो कि आपको रीड और राइट के साथ ऐप लोडिंग टाइम भी काफी फास्ट निकाल कर देता है। तो परफॉर्मेंस आपको बजट के हिसाब से अच्छी दी गई है। इन सभी के अलावा दोस्तों फोन में आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही में ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर MIUI 13 यानी दोस्तों एंड्रॉइड 12 भी मिल जाएगा। तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको मिलती है। रही बात फोन के बाकी फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.43 इंचेस की एक कॉम्पैक्ट साइज की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि एक हाथ से इस्तेमाल करने में भी काफी आसानी होगी। साथ ही में आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और 1000 नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है। गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिल जाएगी। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी कमाल की दी गई है। रही बात कैमरास की, तो बैक साइड में आपको मिलेंगे 4 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आ जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आप मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30fps फ्रंट और बैक कैमरा से। स्टिल फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आती। पावर हाउस की बात कर ले तो इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और मीडियम यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1 से 1.25 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। तो बैटरी मॉडल फोन का यहाँ पर काफी अच्छा है। और वैसे दोस्तों ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, डिजाइन भी काफी अच्छा है, और ये फोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है, यानी कि आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो अगर आप यहाँ पर एक अच्छा सा गुड लुकिंग फोन ढूंढ रहे हैं, साथ ही में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और डेली टास्क के लिए आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए। वैसे अगर आप यहां पर SBI बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फोन को परचेस करते हैं तो ये फोन आपको 11 से 12,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं हम अपने इस लिस्ट के एक वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले फोन के बारे में, और दोस्तों ये फोन है यहाँ पर मोटो का G52 4G। इस फोन में आपको दी गई है 6.6 इंचेस की POLED डिस्प्ले, जो कि एक प्लास्टिक OLED डिस्प्ले, जहां पर आपको सुपर एमोलेड से बेटर क्वालिटी के कलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहां पर किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, अप टू 500 नीट्स की ब्राइटनेस और 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल इस फोन की जो डिस्प्ले है ये एक ऑलराउंडर है, डिस्प्ले से आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आती। वैसे दोस्तों कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर ले तो यहां पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे, और रही बात कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM या फिर 1 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको मोटोरोला की कस्टम स्किन MIUX का सपोर्ट मिलता है, कोई ब्लॉटवेयर ऐप नहीं, कोई भी ऐड नहीं, और साथ ही में थिंकशील्ड की सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। रही बात बाकी फीचर्स की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट, जो कि बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर।
ये स्मार्टफोन अंततः पर स्कोर करता है लगभग 2,75,000 के आसपास, तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर UMCP की स्टोरेज भी दी गई है, जिसे आप यहाँ पर UFS 2.1 या फिर 2.2 से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका मतलब कि रीड और राइट और ऐप लोडिंग टाइम जो है वो आपको यहाँ पर काफी फास्ट मिलता है। कैमरास की बात कर लें तो बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है, और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए दिया गया है 16 मेगापिक्सल का एक अच्छा खासा शूटर। सो देखा जाए भाई तो यहां पर जो कैमरा सेटअप है फोन का अच्छा दिया गया है, और डे लाइट में आपको यहां पर फोटोज भी काफी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहां पर भी आपको फुल एचडी की ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है अप टू 30 fps फ्रंट और बैक कैमरा से। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहां पर मिलती है 5000mAh की बैटरी, जहां पर 30 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो बैटरी मॉडल से यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और गाइज ये जो फोन है ये भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा, पर आपको थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। डिजाइन आपको यहां पर कैसा दिया गया वो आप देख सकते हैं, और साथ ही में ये फोन भी IP52 रेटिंग के साथ में आता है, जिसका मतलब वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन यहां पर भी आपको दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो अगर आप यहां पर इस बजट के अंदर फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं 14,499 रुपये, लेकिन मैं कहूंगा कि आप थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगाएं और इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर पाएंगे 13,500 रुपये की प्राइस पर। तो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा फोन है। अगर आपको यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग में काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। तो भाई ये थे वो टॉप 4 सुपर एमोलेड फोन्स, जहां पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है, फीचर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, डे टू डे यूजेस के लिए आपको यहां पर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। सो अगर आप यहां पर अच्छा सा डिस्प्ले वाला फोन लेना चाहें तो आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हुए हैं, तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।